राजू भैया, गाना ज्यादा पुराना तो नहीं है ना, लेकिन भगवान जगन्नाथ का दरबार लगा है। हाँ। तो हिंदुस्तान के एक मशहूर फनकार ने अपनी बात रखी है। हाँ हाँ, क्या बात? कि जिस रास्ते से तू गुजरे वो फूलों से भर जाए। बन जाए। क्या बात! तो चांदी जैसा रंग है तेरा। क्या बात, क्या बात! अरे चांदी जैसा रंग है तेरा और सोने जैसे बाल। एक तू ही धनवान गोरी, बाकी सब जब राजा इंद्रदुम्न ने यज्ञ अश्वमेध यज्ञ का शुभारंभ किया। हाँ। और जब 1000 अश्वमेध यज्ञ पूर्ण हो गए। हाँ। जब पूर्ण हो गए तो भगवान जगन्नाथ को प्रकट होना पड़ा। क्या बात! और भक्तों के आगे तो भगवान ईश्वर झुकता है। हाँ। ये प्रमाण मिला है। और जब उनको प्रकट होना पड़ा तो आदरणीय नीलम जी, आपके लिए एक बहुत छोटा सा सवाल लेके आ रहा हूँ। कोई सवाल नहीं है ना, अरे बल्कि मेरी तरफ से भगवान जगन्नाथ की वंदना है। अरे राजा इंद्रदुम्न की भक्ति पल पल बढ़ती जाए। अरे राजा इंद्रदुम्न की भक्ति पल पल बढ़ती जाए। जब 1000वां यज्ञ हुआ तो यज्ञों का फल पाए। पुरुषोत्तम की पावन भू पर पुरुषोत्तम है आए। क्या बात, क्या बात! हमारी एक पंक्ति अच्छी लग जाए तो मैं अपना आना सफल समझूंगा। चूंकि आ तो बहुत दिन से रहा हूँ आपकी सेवा में और अब तो अस्ताचल की तरफ जा रहा हूँ, तो मैं कह रहा हूँ क्या, अरे वृक्ष रूप में प्रकट हो गए। अरे वृक्ष रूप में प्रकट हो गए और नारायण भगवान। अरे जगन्नाथ जी की महिमा का दुनिया करे गुणगान। लेकिन एक बात और लाल मन लाया, क्या क्या? और शाखाएं भी चार वो पावन। चार शाखाओं का वृक्ष रूप ले लिया भगवान ने, और जब चार शाखाओं का वृक्ष का रूप ले लिया तब, और शाखाएं भी चार वो पावन और वृक्षों में विद्यमान। जगन्नाथ जी की महिमा का दुनिया करे।
और जब वृक्ष रूप में प्रकट हो गए तो उनमें चार शाखाएं हो गई। क्या बात, चार शाखाओं से चार प्रतिमाओं का निर्माण हो गया। ये बात ये ला रहा हूं, चार शाखाओं से चार प्रतिमाओं का निर्माण हो गया। पहली प्रतिमा कृष्ण, दूसरी प्रतिमा सुदर्शन, तीसरी प्रतिमा सुभद्रा और चौथी प्रतिमा बलदाऊ। चार वृक्ष हैं, इसको देखा, दिशाएं भी मिल नहीं सही, आगे बढ़ गया। आपको छोड़ रहा हूं बहुत। अरे विश्वकर्मा ने 15 दिन में अपनी कला दिखाई, भगवान विश्वकर्मा ने, अरे विश्वकर्मा ने 15 दिन में अपनी कला दिखाई, अरे चारा चारों शाखाओं से पावन प्रतिमा चार बनाई। अरे चारों शाखाओं से पावन ये प्रतिमा चार बनाई, कृष्ण सुदर्शन बलदाऊ संग बहन सुभद्रा सुहाई। तो कह रहा हूं क्या कि अलग अलग है चार रंग ये, अरे अलग अलग है, अरे अलग अलग है रंग चारों के, और अलग अलग परिधान। चारों एक वृक्ष से पैदा है, क्या बात, लेकिन चारों का अलग अलग रंग है और चारों के अलग अलग वस्त्र हैं। क्या बात, क्या बात, सुनना। तो कह रहा हूं क्या कि अलग अलग है रंग चारों के और अलग अलग परिधान, जगन्नाथ जी की महिमा का दुनिया करे जवाब। छोड़ रहा हूं, छोड़ कह रहा हूं क्या, मैं रंग छोड़ रहा हूं और वस्त्र छोड़ रहा हूं। क्या बात, थोड़ा इस पे प्रकाश डालना, जो मैं छोड़ रहा हूं उसकी पूर्ति आपके द्वारा होगी, लेकिन ठीक है अंतिम बात प्रस्तुत कर दो। और जब आए आषाढ़ मास की शुक्ल द्वितीया पावन, चल बड़े अब ये पर्व होता कब है सुनना। जब आए आषाढ़ मास की शुक्ल द्वितीया पावन, और जगन्नाथ जी की यात्रा तब होती है मन भावन, जब होती है मन भावन, जब होती है मन भावन, तो मंदिर से ही यज्ञ वेदी तक होती यात्रा सुहावन। क्या बात, अब कहां से कहां तक जाती है इसको भी देख लेना। मंदिर से ही यज्ञ वेदी तक, अरे होती यात्रा सुहावन, लेकिन और 7 दिनों तक पास है करते। क्या बात, ये देवता, और 7 दिनों तक वास है करते, और ज्ञानी करे बखान, 7 दिनों तक वास है करते, और ज्ञानी करे बखान, जगन्नाथ जी की महिमा का दुनिया करे गुणगान। तो
वृक्ष रूप में प्रकट हो गए, अरे वृक्ष रूप में प्रकट हो गए ये नारायण भगवान, और शाखाएं भी चारों पावन और वृक्ष में है विद्यमान। जगन्नाथ जी की महिमा का दुनिया करे भगवान की जय। हालांकि मैं गाने में सामर्थ नहीं, बड़ी छोटी कलाकार हूँ, लेकिन आप सभी का प्यार और स्नेह रहेगा तो मैं गाऊंगी नहीं, आप लोग गवा लेंगे। तो आइए सुनेगा, सुने हर हर नंद किशोर भैया गाया फिल्मी दुनिया वालों ने, क्या बगल से हवा नहीं था हमने आकर ली गाया फिल्मी दुनिया वालों ने। हो हेलो हेलो, ये माइक में आनंद नहीं आ रहा। हेलो हेलो, क्योंकि मैंने पहले भी कहा है कि आप भी अपने हैं और ये कार्यक्रम भी अपना है, हम समझ रहे हैं, लेकिन वो आनंद ही नहीं आ रहा। और जब तक कलाकार को मन का माइक ना मिले, और प्रॉब्लम तो है बेटे, समझ नहीं आ रहा है कहाँ। और मैं देख पा रही हूँ आदरणीय सम्मानीय हमारी भाभी जी भी आ बैठी है, तो मैं निवेदन कर रही हूँ कि आप यहाँ आकर बैठिए, क्योंकि आपका स्थान यहाँ पर है। भाई साहब आइए, स्वागत कर रही हूँ आदरणीय भाभी हमारी श्रीमती शकुंतला राजपूत जी आई हैं, और मैं स्वागत कर रही हूँ, एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करिए आप सभी लोग। आइए, स्वागत है आपका। और हमारे सम्मानीय भैया जो कीर्तन में अपनी अलग ही पहचान बनाए हुए हैं, बड़े भैया श्री बाबूलाल राजपूत जी, जी हृदय से धन्यवाद दे रही हूँ आपकी उपस्थिति के लिए, और आग्रह कर रही हूँ कि आप मंच पर आकर बैठिए। हालांकि पहले हमने नाम भाभी का ले लिया तो हमारे भाई साहब उधर से ऐसे ढोकने लगे। आदरणीय चाचा जी, जी फिल्मी दुनिया वाले गा रहे हैं, लेकिन जरा सुनिएगा मेरी बात। सुने कि जिस रास्ते से तू गुजरे वो फूलों से भर जाए। विराजमान है तो चाचा जी मैं आपसे तो कह नहीं सकती, लेकिन कि जिस रास्ते से तू गुजरे वो फूलों से भर जाए, तो तेरे पैर की कोमल आहट सोते भाग जगाए। तो
चांदी जैसा रंग है तेरा, कि चांदी जैसा रंग है तेरा, सोने जैसे बाल, चांदी जैसा रंग है तेरा, सोने जैसे बाल, एक तू ही धनवान है भौजी, बाकी सब कंगाल। बड़ी भाभी माँ के समान होती हैं और माँ से ज्यादा धनवान बच्चों के लिए कोई होता नहीं। आदरणीय भाई साहब, इसलिए कहना पड़ा। बड़ा अच्छा गीत आया है, प्रयास कर रही हूँ। आदरणीय चाचा जी, बड़ा मजबूत पहले ही चक्र में प्रहार किया है आपने। आपने चार शाखाएं, चार मूर्तियां, चार रंग दिखाए हैं। ऐसी चार विशेषताएं आपने बताई हैं, लेकिन मैं प्रयास कर रही हूं कि आपको आनंद आ जाएगा। जवाब नहीं दे रही हूं, क्योंकि हमारे वो संस्कार ही नहीं है कि हम बच्चे बड़ों को जवाब दें, लेकिन प्रयास कर रही हूं कि आप लोगों को आनंद में आनंद आ जाएगा। भगवान नारायण का नित नियम क्या है, जरा सुनिए। सुने आप सुने, यही भगवान जगन्नाथ है। सभी का ध्यान चाहूंगी। आदरणीय पुजारी जी, ये भगवान विष्णु जी जब बैकुंठ से चलते तो होता क्या है, क्या कि बद्रीनाथ स्नान करे, वस्त्र बदलते हैं द्वारिका धाम में। एक एक लाइन सुनिएगा। बद्रीनाथ स्नान करे पहने वस्त्र द्वारिका धाम, पूरी उड़ीसा में भोजन, वस्त्र पहनते द्वारिका धाम में और आकर कि पूरी उड़ीसा में भोजन रामेश्वर स्वर्ण में शयन करे शाम, तो बद्रीनाथ स्नान करे पहने वस्त्र द्वारिका धाम, पूरी उड़ीसा में भोजन रामेश्वर शयन शाम, भोजन उड़ीसा में और शयन शाम को करते हैं रामेश्वर में। तो नारायण भगवान की नित ही चाहे चारों धाम, ये नित प्रतिदिन चारों धाम में जाते हैं। कैसे तो नारायण भगवान नित ही चाहे चारों धाम, तो कहना पड़ा आप त्रिलोकी नाथ हो स्वामी, हे जगन्नाथ स्वामी, कि आप त्रिलोकी नाथ हो स्वामी, आप ही हो श्रीनाथ, आप ही त्रिलोक के नाथ हो, त्रिलोकी नाथ,
आप त्रिलोकी नाथ हो स्वामी, आप ही हो श्रीनाथ। हाथ उठा कर प्रेम से बोलो, जय हो तुम्हारी जगन्नाथ। एक नहीं दो नहीं सभी लोग। तो हाथ उठा कर प्रेम से बोलो, जय हो तुम्हारी जगन्नाथ। हाथ उठा कर प्रेम से बोलो, जय हो तुम्हारी जगन्नाथ। और ये एक से एक पद मुद्राओं का मूल्यवान आशीर्वाद सम्मानी पुजारी जी के करकमलों से आपने कहा है कि ये प्रसाद जगन्नाथ जी के चरणों से आया है। इस प्रसाद को अपने शिरोधार्य कर रही हूँ और स्वागत सम्मान कर रही हूँ पुजारी जी का। सुनेगा चार बातें दिखाई हैं, बद्रीनाथ में स्नान कर रहे हैं, द्वारका में वस्त्र बदल रहे हैं, पूरी उड़ीसा में भोजन कर रहे हैं और रामेश्वर में शयन कर रहे हैं। आइए दूसरी बात सुनिए। भगवान नारायण, आप लोगों ने दर्शन किए हैं, एक एक लाइन सुनेगा। आप प्रभु परिपूर्ण ब्रह्म हो, कोई अंश अवतार है लेकिन पूर्ण अवतार है कन्हैया का। जब पूर्ण अवतार कन्हैया का है तो बड़े भैया सुनेगा। सुने। आप प्रभु परिपूर्ण ब्रह्म हो, कोई पूर्ण नहीं। आप पूर्ण ब्रह्म हो लेकिन कोई पूर्ण नहीं है। लेकिन कि आप प्रभु परिपूर्ण ब्रह्म हो, कोई पूर्ण नहीं। पर मंदिर में परिपूर्ण ब्रह्म की प्रतिमा पूर्ण नहीं। परिपूर्ण ब्रह्म की प्रतिमा पूर्ण नहीं है। और हमारे सनातन धर्म में ये मान्यता है कि कोई भी अधूरी मूर्ति का पूजन नहीं किया जाता। लेकिन मंदिर में परिपूर्ण ब्रह्म की प्रतिमा पूर्ण नहीं। तो भक्त की रहती कोई इच्छा कभी अपूर्ण नहीं। ये विशेषता की मूर्ति पूर्ण नहीं है लेकिन इनके दरबार में जो भी कोई इच्छा लेकर जाता है, भक्त की इच्छा कभी अपूर्ण नहीं होती। बड़े भैया तो तीनों पर हो दया दिखाते, तीनों पर हो दया दिखाते स्वामी दीनाना। तो तीनों पर हो दया दिखाते स्वामी दीनाना। तो कहना वही है, हाथ उठा कर जय बोलो, जय हो तुम्हारी ना। आप लोगों ने दर्शन किए हैं और जो कोई भी जगन्नाथ धाम गया है तो वहाँ की विशेषता आप लोगों ने देखी भी हुए और जिन्होंने नहीं देखी है तो उन्होंने पढ़ी भी होगी। सुनेगा विशेष बात कि वायु की विपरीत दिशा में,
बजती है तो आप लोगों ने देखा होगा कि वायु की विपरीत दिशा में ध्वजा सदा फहराती, अगर इस तरफ हवा चल रही है तो ध्वजा इस तरफ चलेगी। समझनी भैया सुनेगा सुने कि वायु की विपरीत दिशा में ध्वजा सदा फहराती, मंदिर के ऊपर कोई चिड़िया भी उड़ ना पाती, चिड़िया भी उड़ ना पाते, चिड़िया भी उड़ ना पाते। आप लोगों ने देखा है कि बिना विमान तो अलग बात है, कोई विमान तो अलग बात है कि मंदिर के ऊपर से निकल जाए एक चिड़िया भी नहीं उड़ पाती। तो कहना क्या बात, तो मंदिर के ऊपर कोई भी चिड़िया ना उड़ पाती, तो सरगम इस मंदिर की कभी आइए स्वागत भैया, बड़ा इंतजार और ये एक से एक पद मुद्राओं का आशीर्वाद सम्मानी बड़े भैया श्री हरगोविंद चौबे जी जो मटोंदा चौवन से आप पधारे हैं, हृदय से धन्यवाद हैं। और ये सम्मानी भैया हमारे श्री मनीष गोसाल जी जो लाल कड़क कर रामलीला गोसाल, सम्मानी भैया हमारे मनीष गोसाल जी जो संरक्षक हैं, क्षमा करिएगा क्योंकि त्रुटियां हमेशा बच्चों से होती हैं और आप लोग हम बच्चों को क्षमा कर रहे हैं, यही आपका बड़प्पन और आपका काम भी है, हृदय से धन्यवाद दे रही हूँ। सुनेगा आप इनाम दूसरा पहुंचा दीजिए, नाम सही बोल जाए। सुनेगा सुने कहना सुने तो वायु की विपरीत दिशा में ध्वजा सदा फहराती, मंदिर के ऊपर कोई भी चिड़िया ना उड़ पाती, चाचा जी सुनेगा सरगम इस मंदिर की कभी परछाई नजर ना आती, क्या बात, कभी भी इस मंदिर की परछाई नजर नहीं आती, विशेष बात, सरगम इस मंदिर की कभी परछाई नजर ना आती, तो कहना क्या? हम सबके अनाथ हैं लेकिन पत्रमुद्राएं गुप्त दान के स्वरूप में आई हैं, जिन भाई ने ये दान दिया है भगवान जगन्नाथ स्वामी उनका हमेशा भंडार भरा रखें और इसी तरह गुप्त दान वो करते रहें, हृदय से धन्यवाद दे रही हूँ। आइए सुनेगा सुने विशेष बात सुनेगा सुने हम सब है अनाथ लेकिन है नाथ, तो हम सब है अनाथ लेकिन तुम नाथों के नाथ, हम अनाथ हैं लेकिन तुम नाथों के भी नाथ। आइए भैया आप भी बड़ी मेहनत कर रहे हैं, धन्यवाद। और ये सामान्य भैया श्री नरेंद्र चतुर्वेदी जी एडवोकेट सचिव लाड़ कड़प्पा रामलीला समिति छतरपुर, आपके माध्यम से ये 201 पत्र मुद्राओं का आशीर्वाद इन उत्तर पंक्तियों पर आया है, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियां सभी भाइयों के लिए, सुनेगा धन्यवाद है। तो हम सब है अनाथ लेकिन तुम नाथों के नाथ, तो बात वही है, हाथ उठा कर
भैया हमारे मोटे के मंदिर के महासचिव, अच्छा मोटे के महावीर मंदिर के सचिव भैया हमारे अनिल शर्मा जी, आनंद शर्मा जी एडवोकेट साहब, आपकी ओर से कि एक से एक पद मुद्राओं का आशीर्वाद आया है, बहुत बहुत धन्यवाद है भैया को। सुनेगा सुने। एक लाइन और दे रही हूँ। जगन्नाथ के भात को सरगम, अगर बात अच्छी लग जाए तो सभी का समर्थन चाहूंगी कि जगन्नाथ के भात को सरगम जगत बढ़ाए हाँ। और ये हाथ वही बढ़ा सकता है जो परमात्मा को चाहता और जिस पर परमात्मा की कृपा होती है। और आज आज परमात्मा की कृपा हुई किस नाचीज को समिति के भाइयों ने सेवा का अवसर दिया। वाह दीक्षित जी क्या लिखा है आप तो कहना क्या? जगन्नाथ के भात को सरगम जगर जगत पसारे हाथ तो क्या? हाथ उठा कर प्रेम से बोलो जगन्नाथ स्वामी की। बहुत बहुत धन्यवाद।